Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Life Path. I am Rashad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is Fasadi Mulla Shaitan ke chele. Fasadi Mulla to Shaitan ke chele hote hain. Taif walon ne Rasulullah ko lahu lahwan kar diya. To Jibril alaihissalam ne ijazat chahi ke unhein saza dein. To Rasulullah ne kaha nahi, shayad unke bacche musalman ho jaye. रसूलुल्लाह ने को तो अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, जहमत नहीं। लोगों ने मोहसलम को बहुत कुछ कहा, इसके जवाब में अल्लाह ने मोहसलम को सब्र की तरतीन की और जो लोग तौहीन रसालत करते हैं उनकी सजा जहन्नुम है। तफसीलात के लिए सूरह अल कलम आयत 2-7, सूरह तौबा आयत 22-44, सूरह ताहा आयत 130, सूरह काफ आयत 39, सूरह मुजम्मिल आयत 10। जो लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं और इस्लाम से खारिज हैं। तफसीलात के लिए सूरह अल माईदा आयत 44-45-47। फैसले घरों में भी करने पड़ते हैं, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, महल्ले में, असेंबली में, जगह जगह आपको फैसले करने पड़ते हैं। फैसले सच्चे हक पे होना चाहिए कुरान के मुताबिक। जिस शख्स को तौहीन रसालत पर दिल में दर्द ना हो वो मुसलमान ही हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ऐसे में सिर्फ सब्र की तलकीन की है। पुरअमन मजाहरे जरूर करें लेकिन इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे वरना अल्लाह के एहकाम के खिलाफ वर्जी होगी। कोई सियासतदान उसको गलत व मफहूम पहना कर अवाम में खलफशार ना फैलाए, इससे मुल्क तबाह हो सकता है, मुल्क दुश्मन ना बने। जो कुरान तो पढ़ता हो लेकिन अमल कुछ और करता हो वो यकीनन मुनाफिक और शैतान का चेला है। मुल्क में खलफशार फैलने से और मुल्क को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम।